नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। आप देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। किसानों को उनकी जमीन वापस देने की मांग को लेकर 23 अगस्त को निकाले जाएंगे विरोध रैली। कागाखाली भूमि संरक्षण समिति और तीस्ता मानदा परियोजना की ओर से शनिवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में समर्थन आयोजन किया गया था। इस बीच संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि 23 अगस्त को अपनी जमीन खोने वाले अनिच्छुक किसानों को जमीन वापस दिए जाने की मांग को लेकर एक विरोध रैली का आयोजन सिलीगुड़ी में किया जाएगा। इस बीच उन्होंने बताया कि साथी सदस्यों ने कहा कि यह जुलूस महानंदा ब्रिज से शुरू होकर कंचनजंगा स्टेडियम के क्षेत्र में पहुंचकर समाप्त की जाएगी। आर्मी लिखे हुए बिहार नंबर वाले वाहनों में करोड़ों रुपयों के नोटों की तस्करी की घटना प्रकाश में आई है। घटना जलपाईगुड़ी के चौलहाटे इलाके में घटी। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद बांग्लादेश की सीमा से लगे जलपाईगुड़ी के चौलहाटे इलाके में ग्रामीणों ने रहस्यमयी वाहनों का पीछा किया और बिहार के नंबर वाली दो गाड़ियों को पकड़ा और जलपाईगुड़ी राजगंज थाने की पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी के दौरान वाहन से करीब 1,22,000 रुपए बरामद किए। जलपाईगुड़ी राजगंज थाने की पुलिस को यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यहां पैसा कहां से और किस मकसद से लाया गया था। इस घटना में शामिल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। चाय बागान के छात्रों को विभिन्न सरकारी नौकरियों की परीक्षा के लिए कोचिंग देने के लिए पुलिस बंधु कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह कोचिंग सेंटर अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी में की गई है। इस बीच जिला पुलिस के सहयोग से इस कोचिंग सेंटर को खोला गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भारी तबाही, 14 लोगों की मौत। अकेले मंडी में 10 लोगों ने गवाई अपनी जान, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 100 करोड़ से ज्यादा का हुआ है नुकसान। उत्तराखंड में भी 4 लोगों ने गवाई अपनी जान। गौ तस्करी कांड में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की बेल हुई खारिज। 24 अगस्त तक सीबीआई हिरासत का कोर्ट ने दिया आदेश। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल पर लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप। 31वें नेपाली भाषा मान्यता दिवस के अवसर पर शनिवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के मेजपाड़ा चाय बागान में नेपाली आदिकवि भानुभक्त आचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कालचीनी के विधायक विशाल लामा, लेखक सागर राय सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे। इस दिन एक भव्य रैली का भी आयोजन किया गया था। रेलवे लाइन से एक व्यक्ति का शव बरामद। इलाके में मची हड़कंप। खोरीबाड़ी प्रांडेंग रेलवे लाइन से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शुक्रवार की रात ट्रेन के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार को सुबह मौके पर रेलवे पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद किया। रेलवे पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा था या आत्महत्या। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान फुल बाबू के रूप में हुई है। आज शव को बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। गर्ल्स हाई स्कूल में नाइट गार्ड का फंदे से लटकता शव बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी घोघमाली गर्ल्स हाई स्कूल में नाइट गार्ड का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। इस घटना से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। शनिवार की सुबह स्कूल के कर्मचारी टीचर पोपो ने स्कूल के अंदर नाइट गार्ड का फंदे से लटकता शव बरामद किया। इस बीच इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जहाँ सूत्रों के अनुसार युवक का नाम आलोक दास है, गंगारामपुर का रहने वाला है। वहां दिन में घोघमाली में एक दुकान में काम करता था और रात में घोघमाली गर्ल्स स्कूल की रखवाली करता था। उसने आत्महत्या आखिर क्यों की, इसको किसी की जानकारी नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी। हाथी का शव बरामद होने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। अलीपुरद्वार जिले के चाय बागान के नाले से एक हाथी का शव बरामद किया गया। इस घटना से अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के वर्णावाड़ी चाय बागान इलाके में सनसनी मच गई। शनिवार की सुबह वर्णावाड़ी चाय बागान की लाइन नंबर 11 में हाथी का शव बरामद किया गया। इसके बाद इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। घटना की खबर मिलते ही हैमिल्टनगंज रेंज के वनकर्मी मौके पर पहुंचे। उसके बाद वनकर्मियों ने हाथी के शव को बरामद किया। वन विभाग का पहला अनुमान है कि हाथी दल के साथ था और चाय बगान के नाले को पार करते समय वह नाले में गिर गया, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। वनकर्मियों के अनुसार हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदी विधानसभा के विधायक गौतम पाल की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नंदोत्सव का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विधायक गौतम पाल ने कहा कि इस दिन करंदी की देवी देवताओं में नंदोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दिन पूजा के साथ समारोह की शुरुआत की गई। आज दही कादो खेल में नारियल को लेकर खेल किया गया। करंदी के विधायक गौतम पाल सहित राजवंशी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे थे। इस दिन नारियल का खेल देखने के लिए कई लोग दूर दूर क्षेत्र से पहुंचे थे। आज के फास्ट न्यूज़ नॉर्थ
बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइफ के साथ। धन्यवाद। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गार्मेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गार्मेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहां 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गार्मेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम, हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, एनएक्स, हैवेल्स, गैलेक्सी, जेमहाउ, बिसाइड उत्तरबंग मारवाड़ी भवन, सेकंड माइल, सिलीगुड़ी। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टी सित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि, यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में एएसजीआई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन्स भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकूड डोर है, 100% प्योर टीकूड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। जस्ट अ क्लिक अवे, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।